पाकिस्तान के साथ मैं हूं मलिक अब्दुल गफ्फार। आज की मुलाकात ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो स्केच आर्टिस्ट हैं, हाथ से तस्वीर बनाते हैं और ऐसी कमाल की तस्वीर बनाते हैं कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। अतः भाई, यो आप स्केच आर्टिस्ट का यो आपने ये काम कहाँ से सीखा और आपको ये कहाँ से शौक़ पैदा हुआ, इस बारे में ज़रा बताइए। जी, मेरा नाम आतिफ रशीद है और मैं तहसील मैलसी शहर शिताबगढ़ का रिहायशी हूँ और मैं स्केच मेकर आर्टिस्ट हूँ। मुझे पेंटिंग और आर्ट का बहुत शौक़ था, तो जिस वजह से मैंने इसको स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रैक्टिस के साथ जो अपने आप को इम्प्रूव किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी इस काबिल हो गया हूँ कि मैं स्केचिंग जो है वो करता हूँ और प्रोफेशनल लेवल पे जो है स्केचेस बनाता हूँ। नहीं, ये मैंने किसी से भी नहीं सीखा, मैं अपने बल्कि कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनसे मैंने कनेक्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो हमारे पास अभी टाइम नहीं है तो आप खुद से प्रैक्टिस करें, तो फिर मैंने खुद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट की, तो फिर करता गया। जिस तरह से आप देखें, कोई भी चीज़ है जब आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे, काम करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह डेफिनेटली आप उस पर अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, तो फिर मैंने इसको जो है अच्छे से परफॉर्म किया। पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से यही है कि जब कोई कंपटीशन होते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, डिवीजन लेवल पे, अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक कंपटीशन हुआ था यूएस मिशन पाकिस्तान में, यूएस की तरफ से, तो उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट इंटरनेशनल लेवल के थे, तो उसमें मैंने कम्पीट किया अल्हम्दुलिल्लाह और पाकिस्तान में मेरी तीसरी पोजीशन आई है और डिस्ट्रिक्ट में मेरी पहली पोजीशन थी। अवार्ड्स भी दिए थे, सर्टिफिकेट्स भी मुझे मिले हैं। यही पैगाम यही है कि अगर आप में कोई स्किल है, आप में कोई टैलेंट है, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका बोलने का टैलेंट हो, आपके लिखने का टैलेंट हो, आपके तस्वीरें बनाने का टैलेंट हो, तो इससे ये है कि आप माशाल्लाह से अच्छा आप अर्न भी कर सकते हैं, आपको पॉपुलैरिटी भी मिलती है और काफ़ी सारा आपको सीखने को मिलता है इस शोबे से।